dear students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to study MSc. Okay, that is your Moral Science chapter number 2. We are going to do the question answers, fill in the blanks. Okay, I hope you all had revised the chapter which I taught you in the last class. Hai na? What was the name of the chapter? What is our father? Okay, now you have to take out page number 8. आपको कौन सा पेज नंबर निकालना है? पेज नंबर 8. एंड एज यू कैन सी लेट अस रिमेंबर. आपको यहाँ लेट अस रिमेंबर दिख रहा है? ये लेट अस रिमेंबर, ये बॉक्स दिख रहा है आपको यहाँ पे. ओके, व्हाट इज इट रिटन हियर? आई थैंक माय गॉड. आई थैंक आपको एक्सरसाइजेस जो दिए
समझ में आई? आई विल थैंक गॉड फॉर माय पेरेंट्स ब्रदर्स सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स. सेम वे इन द नेक्स्ट लाइन आई विल थैंक गॉड फॉर माय डैश 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 एंड डैश. ठीक है, ये डैश 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 किया है. सेम थिंग यू आर गोइंग टू कॉपी फ्रॉम द फर्स्ट लाइन. आपको पहली लाइन से सेम थिंग यू आर गोइंग टू राइट इट द सेम वे इट इज रिटन इन द फर्स्ट लाइन. ठीक है, सो वहां क्या है, आई विल थैंक गॉड फॉर माय. पहला डैश की तारीफ होगी, व्हाट इज इट रिटन, पेरेंट्स. तो यू विल राइट टी ए आर ई एन टी एस पेरेंट्स कॉमा. देन अगेन डैश इज देयर, यू आर गोइंग टू राइट देयर ब्रदर्स बी आर ओ टी एच ई आर एस ब्रदर्स कॉमा. एवरीथिंग इन कर्सिव राइटिंग चिल्ड्रन. नेक्स्ट सिस्टर्स एस आई एस टी ई आर एस सिस्टर्स. एंड देन द लास्ट वन इज ए एन डी एंड एफ आर आई ई एन डी एस फ्रेंड्स. एंड देन अ फुल स्टॉप. ओके, सेम चीज आपको फर्स्ट लाइन में से देख के सेकंड लाइन में लिखनी है. ठीक है, ये वाला ब्लैंक्स आपको वैसे कंप्लीट करना है इन योर टेक्स्ट बुक. ओके, प्लीज चिल्ड्रन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस वेरी वेल. पेरेंट्स ब्रदर्स सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट लाइन कंप्लीट. नेक्स्ट, आई विल थैंक गॉड फॉर एनिमल्स बर्ड्स प्लांट्स एंड फिश. आई विल थैंक गॉड फॉर डैश 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 एंड डैश. सो सेम थिंग जैसे हमने फर्स्ट में लिखा था, सेम चीज हमको यहां भी लिखनी है. ठीक है, लेट अस राइट. आई विल for making this world. Okay,
God.